कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का कौन सा दांव बीजेपी पर भारी पड़ेगा? आखिर कांग्रेस के किस दांव से कर्नाटक में बैकफुट पर बीजेपी? कर्नाटक विधानसभा चुनाव के होने में भले ही अभी करीब 2 महीने का वक्त बाकी हो, लेकिन प्रदेश का सियासी पारा अभी से ही अपने चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच न सिर्फ जुबानी जंग जारी है, बल्कि दोनों ही दलों के बीच शह और मात का खेल भी चल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे बीजेपी बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक माने जाने वाले लिंगायत समुदाय को अलग धर्म की मान्यता देकर एक बड़ा दांव खेल दिया है। सियासी जानकारों की माने तो कांग्रेस के इस दांव से आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इससे पहले लिंगायत समुदाय पिछले काफी वक्त से खुद को हिंदू धर्म से अलग घोषित किए जाने की मांग कर रहा था। समुदाय की इस मांग को लेकर राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने लिंगायत समुदाय के लिए अलग धर्म के साथ अल्पसंख्यक दर्जे की सिफारिश की थी, जिसे सिद्धरमैया कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब अंतिम मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा, यानी गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है। उधर सिद्धरमैया सरकार के इस फैसले से बीजेपी पूरी तरह बिफरी हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को बांटने का आरोप लगाया है। अब प्रदेश सरकार के फैसले से बीजेपी का बौखलाना लाजमी भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश की कुल आबादी में लिंगायत समुदाय की करीब 17-18% हिस्सेदारी है। बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा इसी समुदाय से आते हैं। येदियुरप्पा को सीएम पद का दावेदार बनाकर बीजेपी ने इस समुदाय को लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस ने बीजेपी के गुगली पर छक्का जड़ दिया। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद लिंगायतों के कांग्रेस के खेमे में जाने की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इस दांव की काट तलाशने में जुटी है, लेकिन वो इसमें कितना कामयाब होती है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।